भाई मैं आज यहाँ मोबाइल अपना चेंज करने के लिए आया हूँ। जी जी ठीक है ना, 30 Max Pro है, उसको चेंज करके मैं 40 लेना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने फाइनल आज चुना करना, तो फाइनल अच्छा। तो कैसे देख सकते हैं, हाय फ्रेंड, मैं आज आया हूँ अपना मोबाइल को चेंज करने के लिए। मेरा 13 Pro Max था, मैं आज को अपडेट कराने के लिए आया हूँ। मैं 14 आज लेने वाला हूँ। चलिए आज चलते हैं, मोबाइल को आज चेंज करते हैं और देखते हैं कितना प्राइस भाई लेते हैं। मैंने आईफोन 40 प्रो मैक्स मैंने लिया, अभी मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, तो अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। वाओ, तो देख सकते हैं गाइस, अभी ये अनबॉक्सिंग हो गया है। वाओ, क्या अच्छा लग रहा है, पर्पल कलर ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में। अभी देख सकते हैं, और इसका साथ में मुझे मिला है डेटा केबल, बस अब कुछ नहीं मिला साथ में कुछ नहीं मिला। अरे भाई बता रहे, अभी डेटा केबल है, कुछ नहीं है साथ में, एडाप्टर भी नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि वजन इसमें ज़्यादा लग रहा, 13 Pro Max में वजन ज़्यादा लग रहा, और ऐसा कैमरा देखे काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग जा रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। देखिए मेरे हाथ में आ गया 14 Pro Max। मेरा मोबाइल पहले था 13 Max Pro था, जो 256 GB था, मैं अभी 14 में आ गया, सेम 256 GB है। और अभी मुझे अपडेट कराने पड़ा, क्योंकि मुझे अभी मोबाइल एक साल में चेंज करना, देखे ये मेरे पास नया मोबाइल आ गया और भाई ने अच्छा डील दिया, इसका वजह से मैं यहाँ पर आ गया। गाइस अभी देख सकते हैं, डेटा केबल है और मोबाइल है, बस कुछ नहीं है। अभी जो 14 Pro Max है, ये भी मेरा ओपन हो रहा है, पूरा डेटा अब इसमें ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। अभी जो जो है लैंग्वेज अब सेलेक्ट करने पड़ेगा, जो लैंग्वेज मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश करने पड़ेगा। उसके बाद अभी देख सकते हैं, इसको भी स्कैन करने का ऑप्शन आ गया, ये भी स्कैन करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बारकोड स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद जितना डेटा है सब मेरा 13 Pro Max 14 Pro Max में सब चले जाएगा। और यहाँ मैं अभी अपना पासवर्ड जो मैंने लगाया था मोबाइल में ओपन कर रहे हैं। पासवर्ड ओपन करने के बाद अभी डेटा ट्रांसफ़र होना भी चालू होने वाला है। तो गाइस अभी देख सकते हैं, ये अभी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस अभी चालू होने वाला है। मुझे अभी अपना फेस लॉक करने पड़ेगा, अभी मैं जा रहा हूँ फेस लॉक करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
अभी देखिए ये डेटा ट्रांसफ़र होना चालू हो गया, अभी 2 घंटा बोला लगेगा डेटा ट्रांसफ़र होने में, फिर उसके बाद अभी हो गया 3 घंटा, यानी मेरा डेटा ज़्यादा है इसीलिए अभी 3 घंटा मिनिमम लेगा ये डेटा ट्रांसफ़र करने में। Hour later, 2 hours later, 3 hours later. तो गाइज मैंने फाइनली आईफोन 40 मैक्स प्रो ले लिया और आईफोन 30 जो मैक्स प्रो था वो मैंने एक्सचेंज कर दिया, और क्योंकि बहुत दिन हो गया था उसको चेंज करना था, और अभी लगभग अब टाइम आने वाला है 15 का भी, तो सोचा कि मैं 14 पहले मैं चला लूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह 15 को भी लेना होगा। तो गाइज ये कैमरा मैं उसी से आज मैं शूट कर रहा हूँ, आईफोन 40 मैक्स प्रो से कर रहा हूँ।